Ready, guys? Ready? Great. You start. Yeah, but what should I? Should I just start? आ गया है, बहुत ही नया साल है, नई उम्मीदों के साथ आया है और उसी उम्मीद के साथ कच्छ एक्सप्रेस भी सिनेमाघरों में आ चुकी है। तो आप इस ट्रेन पे डेफिनेटली चढ़िएगा, बहुत मजा आएगा इस सफर में और हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ये ट्रेन मिस करने जैसी नहीं है क्योंकि ये एक्सप्रेस है और हम सबको विश करते हैं कि आपकी जिंदगी में सफलता आपको एक्सप्रेस लेवल की मिले। Absolutely. क्योंकि हमने 2-3 साल बहुत ही बड़ा ब्रेक ले लिया है, नाउ इट इज टाइम टू मूव ऑन एक्सप्रेस मोड। यस, અમારા બધા દર્શકોને એટલું જ કહેશું કે તમે અમને બહુ પ્રેમ આપો છો, અમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, ફેસબુક, યુટ્યુબ ઉપર તમે પ્રેમ આપો છો અને થેન્ક યુ સો મચ ટુ યુ નો સપોર્ટ ગુજરાતી એઝ અ લેંગ્વેજ। હર એક રિજનલ ભાષા કો સપોર્ટ કરના બહુ જરૂરી હૈ બિકોઝ રિજનલ સિનેમા કા દોર આ ગયા હૈ, લોગ હર એક ભાષા કી ફિલ્મો કો અપના રહે હૈ, બહુ સારા પ્યાર ભી દે રહે હૈ, તો ગુજરાતી ફિલ્મે ભી બન રહી હૈ, તો પ્લીઝ ઉને ભી પ્યાર દીજેગા બિકોઝ વી ઓલ વોન્ટ ટુ મેક શ્યોર દેટ એવરીબડી એન્જોયઝ ધ લેંગ્વેજ। इस फिल्म में इतने सारे खाने की भी बात है, बिकॉज गुजरातियों की बात हो तो खाने की तो बात होती है, और एंटरटेनमेंट है, ड्रामा है, सारा है, धमाल है, तो डेफिनेटली। क्या खाना क्या है? दाल ढोकली क्या है? दाल ढोकली, पात्रा, ढोकला, थेपला, सारी चीज़ों का हमने दिखाया भी है और वर्णन भी है, और फिल्म में स्टोरी में भी बहुत अच्छी तरीके से इसे दिखाया है। સો ગુજરાતી મિત્રો ને એટલું જ કહીશ કે આ આપણી ફિલ્મ છે, આપણી ભાષાની, આપણી સંસ્કૃતિની, આપણી ભૂમિ કચ્છની વાર્તા છે। ભલે કચ્છ એક્સપ્રેસ, જનરલી એક્સપ્રેસ ટ્રેન બહુ બધા સ્ટેશન પણ ઊભી નહીં રહે, પણ આ એવી એક્સપ્રેસ કચ્છ એક્સપ્રેસ છે કે જે દરેક સ્ટેશન પર, દરેક થિયેટરમાં અવેલેબલ છે। અમારા ફ્રેન્ડ અને સાથી કોકોનટ મોશન પિક્ચર્સે આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી છે, અસલમભાઈ છે અહીંયા અમારી સાથે, આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સે દરેક ગુજરાતના થિયેટરમાં આ રિલીઝ કરી છે। તો મીડિયાના માધ્યમથી અમે એટલું જ કહેવા ચાહીશું કે દરેક લોકો થિયેટરમાં જઈને સપરિવાર આ ફિલ્મ જોવે। સો અભી ધીરે ધીરે બહુ હી અચ્છા રિસ્પોન્સ મિલ રહા હૈ, લેકિન હમને સોચા થા કે 125-150 થિયેટર મેં રિલીઝ કરેંગે, લેકિન અભી આંકડા 250 તક પહોંચ ગયા ઓર કલ તક લગેગા શાયદ 300 તક ભી પહોંચ જાય। એન્ડ વી આર ગેટિંગ ગુડ રિસ્પોન્સ, ગુડ શો ટાઈમિંગ, વી આર 700 શોઝ ઇન અ ડે વી આર ગેટિંગ, ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ફ્રોમ ટુમોરો। થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક્સ। એક્ચ્યુઅલી ડેફ ઓર ડમ લોકો કે લિયે ભી હમને પૂરા એક અલગ વર્ઝન બનાયા હૈ, जो जो लोग देख पाएंगे उसे यू नो उनकी लैंग्वेज में एंजॉय कर पाएंगे, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एंजॉय करना चाहते हैं सिनेमा को और नहीं कर पाते, तो हमने ये सोचा था और ये पार्थिव का डिसीजन था। यस, सो वी हैव दिस फिल्म कच्छ एक्सप्रेस इन इंडियन साइन लैंग्वेज। यस, मतलब ऐसी फिल्में बहुत बनती हैं, हम कॉन्टेंट बहुत कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो डेफ लोग हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा तादाद में है, हर एक स्टेट में, तो हमने ये फिल्म उनकी लैंग्वेज में, इंडियन साइन लैंग्वेज में बनाई है, जो कि हर संडे को ये लोग थिएटर में जाके इस फिल्म को अपनी साइन लैंग्वेज में, मतलब हमारी पूरे फिल्म के पर्दे पे एक कॉर्नर में उनके साइन लैंग्वेज में पूरा उनको एक्सप्लेन करेंगे, एंड दैट ऑडियंस विल एन्जॉय इन देयर ओन लैंग्वेज। आप कुछ कहना चाहेंगे? आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू यू फॉर कोलैबोरेटिंग विद ISH न्यूज़। आपने आपकी मूवी को एक्सेसिबल बनाया है डेफ कम्युनिटी के लिए, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई नीड टू सी हिम टू इंटरप्रेट, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे आपको खाली एक क्वेश्चन पूछना है कि आप एक जस्ट एक स्मॉल, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए, यू नो, पूरे दुनिया को, सब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स अक्रॉस इंडिया, आप क्या कहना चाहोगे? यू नो, यू हाउ कैन यू मेक देम मूवीज एक्सेसिबल टू द डेफ, हाउ कैन यू मेक एंटरटेनमेंट एन इंक्लूसिव स्पेस फॉर द डेफ? सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितनी भी फिल्में बन रही हैं वो ये लैंग्वेज में आए, तो ये जो कि सुन नहीं सकते वो अपनी लैंग्वेज में इस फिल्म को एंजॉय कर सके। वी विल मेक श्योर दैट एटलीस्ट वॉट कॉन्टेंट वी मेक, वी प्रोड्यूस, वी विल ट्रांसलेट दिस इन टू दिस लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज एज वेल। That's wonderful. That's really great. Thank you so much. Thank you. Thank you. Film Kutch Express
અને જોયા વગર મને એવી ફીલ મળી રહી છે કે બહુ સારી ગુણવત્તાવાળી ફિલ્મ હશે. અને દેટ ઇઝ વાય એન્ડ માનસી ઇઝ વન ઓફ માય ફેવરિટ એક્ટ્રેસ એન્ડ આઈ લુક ફોરવર્ડ ટુ વર્ક વિથ હર. એની નેક્સ્ટ ફિલ્મ મને લેશે મને ખબર છે. ધર્મેન્દ્ર આવે નથી કા મેં દેના ચાહુંગી બીંગ અ ગુજરાતી બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ થઈ રહ્યું છે કે ખૂબ સુંદર અને અલગ વિષય લઈને સોલ સૂત્ર માનસી પારેખ ગોહિલ અને પાર્થિવ ગોહિલ આપણી સામે આવ્યા છે. આશા રાખું છું કે આ મૂવી બધાને ખૂબ જ ગમે અને ખૂબ સારો પ્રતિસાદ આપણે આ લોકોને આપીએ. થેન્ક યુ સો મચ. ખરેખર અને જે કાસ્ટ છે માઇન્ડ બ્લોઇંગ છે. ઇસ કાસ્ટ કા યે જો કોલેબોરેશન હૈ યે દેખને કા અપના અલગ હી મઝા હૈ. તો ફુલ ટીમ ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ કંગ્રેચ્યુલેશન્સ. હલો, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ કચ્છ ટીમ. થેન્ક યુ. ફર્સ્ટ ફીલ એવી આવે છે કે ઇટ્સ અ સ્ટ્રોંગ ફિમેલ ઓરિયન્ટેડ સબ્જેક્ટ જે પ્રોમોમાં દેખાઈ રહ્યું છે અને મેકિંગ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અને ઓફકોર્સ લાસ્ટ પ્રોડક્શન પર એવું પ્રોમિસ આપે છે કે ઇટ વિલ બી અ ગ્રેટ પ્રોડક્ટ. વેન દેર ઇઝ અ નેમ લાઈક પાર્થિવ ગોહિલનું નામ આવે કે માનસીનું નામ આવે, વિરલનું નામ આવે, તો એક શ્યોરિટી એક એઝ એન ઓડિયન્સ એવી આવે છે કે અમેઝિંગલી બહુ પ્રેમથી બનાવેલી ફિલ્મ હશે, બહુ જ સુંદર પરફોર્મન્સ પ્લસ પ્રોડક્શન. અને આઈ હેવ સીન ધ મ્યુઝિક, ગઈકાલે જ મેં સોંગ જોયું હતું સચિન જીગર અને અફલાતુન જી. સો આઈ એમ એક્સાઇટેડ ટુ સી ધ ફિલ્મ. થેન્ક યુ સો મચ. તો બહોત હૈ, થોડી એન્શિયસનેસ ભી હૈ, મગર આઈ થિંક અચ્છી ફિલ્મ હોગી. જો થોડા બહોત દેખા હૈ ઉસસે એસા અંદાજ હો રહા હૈ કે અચ્છી ફિલ્મ. મેસેજ તો સિમ્પલ હૈ, હમારી ફિલ્મ દેખો, અગર પસંદ કરો તો હમકો બતાઓ. યસ, જર્ની બહુત મજે કી રહી હૈ, તો ઇસી લીએ ઉમ્મીદ હૈ કે ફિલ્મ ભી ઉતની હી મજે કી બની હોગી ઓર આપકો ઉતની પસંદ આયેગી. નર્વસનેસ એક્સાઇટમેન્ટ હમેશા વૈસી સેમ રહેતી હૈ, મગર ઉસકે સાથ સાથ થોડા બહોત કોન્ફિડન્સ ભી હોતા હૈ. અબ પહેલે નહીં થા. ઓકે, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. કચ્છ, યસ યસ, કચ્છ એક્સપ્રેસ દેખને કે લિયે આઈ એમ સુપર એક્સાઇટેડ. જબ સે ટ્રેલર દેખા થા ઓર જબ સે ફર્સ્ટ લુક ભી દેખા થા તબ સે આઈ એમ એક્સાઇટેડ બિકોઝ ઓફ ધ કાસ્ટ. ઓફકોર્સ આઈ એમ ડાઈ હાર્ડ ફેન ઓફ ઓલ થ્રી ઓફ these gem of the actors, Mansi, Dharam and Ratnakar. I'm a big fan of all three of them and I'm looking forward. And yes, Ram must have done the magic again, so looking forward. Thank you. Viral Shah, the director of the film, super excited. I hope jitni excitement aur jitne pyar se humne is film ko banaya hai, I really hope and I'm sure actually that everybody is going to love it because the subject is such, it's a beautiful visual gift from us to all the cinema lovers and it is one of those films jo main kahunga ke theaters mein jaakar hi dekhna chahiye because jis tarah se apart from the story humne Kutch ko dikhaya hai, that is something which is very beautiful. Thank you guys. I'm sure the film will be more than that. And wishing you all the best. I must share this.
देवेन भाई इतने सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने कितने सालों से अमेजिंग अमेजिंग काम किया है, आइकॉनिक शोज फिल्में की हैं, एंड ही इज ऑलवेज बिन अ मेंटर फॉर मी. सो द फैक्ट दैट आई एम विथ हिम राइट नाउ इज जस्ट अ ब्लेसिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर द काइंड. थैंक यू सो मच. एक्चुअली मैं चाहता हूँ, मेरा भी यहाँ आज ताज़ा खबर का प्रीमियर है. yes. तो मैं चाहता था कि मानसी मेरे प्रीमियर अटेंड करे और मैं उनका. तो अभी हम लोग बात बात में देख लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे. ओके गाइस, थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. कल ही रिलीज होने वाली है 6 जैन को, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये हमारी मदर टंग में है, गुजराती में है, एंड आई हैव लव्ड द फिल्म दैट शी हैज स्टार्ड इन एंड प्रोड्यूस्ड. दिस इज द सेकंड फिल्म दैट यू गाइज हैव प्रोड्यूस्ड. मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूँ. आई मीन लुक एट द स्टार कास्ट, और जो ट्रेलर आई एम श्योर आप लोगों ने देखा ही होगा, उससे स्टोरी इतनी इंट्रीगिंग लग रही है. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड मानसी अबाउट इट अर्लियर. आई एम जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड. एंड पूजा हैज़ बिन सच अ ग्रेट फ्रेंड सिंस ईयर्स, एंड बहुत कम लोग जानते कि वो भी गुजराती है. तो अभी आई थिंक नेक्स्ट फिल्म पूजा गुजराती में करनी चाहिए आपको. व्हाई नॉट, आई एम वेटिंग फॉर इट. Why not? मैं अपने आप को अभी मानसी को पिच कर देती हूँ. आई एम मानसी, प्रोड्यूसर ऑफ द नेक्स्ट गुजराती फिल्म विद मी. देयर इज नो कास्टिंग नाउ आल्सो इन दिस. नो बट डेफिनेटली. थैंक यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम ऑफ कच एक्सप्रेस. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एक्टर ऑन दिस बोर्ड एंड इन द फिल्म, एंड आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोना बी पेविंग अ न्यू पाथ for Gujarati cinema and cinema in general with this film. And I just want to congratulate everybody from my heart, and I'm really, really looking forward to watching the film. Bhoj, excited too. Bye. ये regional film है और इसमें मैंने भी acting किया. कितनी बड़ी अच्छी बात है. मैं बहुत excited हूँ. मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी ये अभी ये कमरे में जाके भी picture देखेंगे और बाहर आए तो बस पिक्चर की कहानी उनको छू जाए. ये बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, ये क्या होने वाला, वो समझ में नहीं आता है. बस पिक्चर अच्छी लगी सही है. तो आप बस देखिए और देखते हैं. एक्साइटेड तो बहुत है, मेहनत बहुत हुई है, बहुत सारी मेहनत हुई है पिक्चर में, रत्ना मैम वगैरह से. बस वी आर एक्साइटेड, लेट्स वॉच. मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक औरत है जिसने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है आपकी ज़िंदगी को, भले वो बहन हो, माँ हो, आपकी बेटी हो, आपकी वाइफ हो, आपकी मदर इन लॉ हो, आप उनको लेके जाके ये पिक्चर ज़रूर देखिए. ये पिक्चर रिश्तों के बारे में है और आपका और उनके साथ जो रिश्ता और मजबूत होगा इस पिक्चर के बाद, ये मेरा दावा है. और नहीं ऐसा हुआ तो आप मुझसे पैसे वापस ले सकते. यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल के करीब हैं, और उसमें से एक है मेरे दोस्त विराट पटेल, इसका हिस्सा है, जो एक्ट्रेस है वो हीना वर्दे, ये भी मेरी दोस्त है. मैं इसके साथ उनके साथ एक और फिल्म कर रहा हूँ, और ये मेरी मातृभाषा लड़की गुजरात से है, तो गुजरात में जो भी हो रहा है इज़ ऑलवेज वेरी क्लोज टू मी. सो काफ़ी महत्वाकांक्षा है बिकॉज गुजराती फिल्मों का दौर शुरू हो रहा है और बहुत सी ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सी ऐसी नई सीमाएं गुजराती सिनेमा भी पार कर रहा है. तो इट्स अ वेरी एनकरेजिंग, बहुत ही अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग आते हैं. आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और आशा है काफ़ी रखता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी स्टोरी है और ट्रेलर भी बहुत शानदार लग रहा है. जी मैंने ऑलरेडी किया है, मैंने ऑलरेडी दो गुजराती फिल्में की है, मैं तेलुगु फिल्में करता हूँ, मैं तमिल फिल्म कर रहा हूँ. सो मैं रीजन सेंट्रिक नहीं हूँ, मैं आई थिंक मैं पूरे भारत में घूमता हूँ. 4 नए प्रोजेक्ट है, देखिए वो तो जिसमें से एक आई थिंक सब बाहर ही है, तो एक दो वेब सीरीज़ है और दो फिल्में हैं जो कि करीबन मिड ईयर लाइक आधे साल तक रिलीज हो जानी चाहिए सारे प्रोजेक्ट्स. थैंक यू गाइस, हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन बाय द वे. या ओके, कैन यू हियर द गाय व्हाट ही इज सेइंग.
प्रीमियर शो में आया छो तो आपको क्या लग रहा है कैसी होगी फिल्म कैसी होगी? ये आप देख रहे हो ये जो झमेला यहाँ पे है लोगों का वही दिखाता है कि ये फिल्म क्या है और कितने अच्छी कितनी अच्छी तरह से बनी होगी जो इतने सारे लोग आए हैं देखने के लिए। और मेरी यही प्रार्थना है कि ये फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल हो और ये खूब खूब नाम कमाए। ये खूबसूरत एक्टर हैं ही ऑलरेडी और भी ज़्यादा करें और भी ज़्यादा फिल्में करें और गुजराती फिल्मों को इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच टिकू जी। टिकू जी तो इतने सीनियर एक्टर रहे हैं और इतना सारा काम किया उन्होंने, उनका यहाँ आना और हमें विशेष देना, ब्लेसिंग्स देना, दैट्स अ बिग डील फॉर अस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, पार्टी करो, टेक केयर। हम लोग गुजराती में नहीं बात कर सकते आप? सो वी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज इस फिल्म में हमारे सारे जो दोस्त हैं विराट पटेल, मानसी वारे, रत्ना मैम है, सो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड। सब दिग्गज कलाकार हैं। Yeah. So we're really looking forward and we're here to support them and cheer for them really loudly. Yeah. Thank you. Gujarati mein bolunga. Gujarati picture Kutch Express. Superstar cast, super subject. Ane je prakar ni film atyare bani rahi chhe Gujarati mein. I think hats off. I think we are moving ahead. નવા નવા સબ્જેક્ટ આવી રહ્યા છે, નવા એક્સપેરિમેન્ટ થઈ રહ્યા છે, એન્ડ ધીસ ઇઝ વોટ ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી વોન્ટેડ એન્ડ નીડેડ વેરી વેરી બેડલી. સો ઇટ્સ હેપનિંગ. કચ્છ એક્સપ્રેસ, ઓલ ધ બેસ્ટ. આઈ એમ ડાઇંગ ટુ સી ધીસ ફિલ્મ. આઈ વેઇટેડ ફોર ઓલમોસ્ટ 1 hour 40 minutes, ટ્રાવેલ ફ્રોમ હોમ ટિલ હિયર, અને મને ખબર છે કે આ ફિલ્મ મને ખૂબ એન્ટરટેઇન કરશે, સારા પરફોર્મન્સીસ જોવા મળશે અને નવો સબ્જેક્ટ જોવા મળશે. સો કાન્ટ વેઇટ મોર. થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ ઓલ ધ બેસ્ટ. એક્ઝેક્ટલી વોટ આઈ એમ સપોઝ ટુ સે, મેં સિર્ફ ઇતના કહુંગી લાઈક જબ સે યે પોસ્ટર રિલીઝ હુઆ થા આઈ વોઝ વેરી એક્સાઇટેડ ટુ વોચ ધીસ ફિલ્મ એન્ડ લુક એટ હાઉ બ્યુટિફુલ એન્ડ હાઉ ઓથેન્ટિક એવરીબડી ઇઝ લુકિંગ. સો આઈ એમ રિયલી લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ વોચ ધ ફિલ્મ. और मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए. सो आई थिंक ज़्यादा बात है मुझे शायद फिल्म देखने के बाद ही करनी चाहिए. कच्छ एक्सप्रेस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. गुजराती में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँ? कच्छ एक्सप्रेस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं ये सिर्फ फिल्म देखने आया तब से नहीं, मैंने जब इसका प्रोमो देखा था तब से एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गुजराती फिल्म एक प्रोग्रेसिव फिल्म बना रही है और जो ट्रेलर अपने आप में बोलता है कि ये एक फिल्म ऐसा स्टेटमेंट करती है कि गुजरात की हर नारी को, हर लड़की को, हर गृहिणी को देखना चाहिए और जब वो देखने आएगी तो उनके घर वाले सबको देखना चाहिए, क्योंकि देश जिस प्रगति के मोड़ पे है वहां जब तक हमारे घर की स्त्री, हमारे घर की लड़कियां प्रगति ना करें तब तक ये पॉसिबल नहीं है. एंड विथ एंटरटेनमेंट, जैसे मानसी है, धर्मेंद्र है, दर्शील है, एंड अबव ऑल माय ऑल टाइम फेवरेट रत्ना पाठक शाह है, तो ये तो मैं एक्साइटेडली वेट कर रहा हूँ कि कब देखने मिले. प्रोमो इतना सुपर था तो फिल्म तो जबरदस्त होने वाली है. कल यस, वेरी एक्साइटेड, काफ़ी नर्वस हूँ एंड देखते हैं. मैंने पहली बार गुजराती ट्राई किया, मैं खुद गुजराती हूँ लेकिन मैं काफ़ी कॉन्शियस हो जाता हूँ, बट ऑल थैंक्स टू पार्थिव सर एंड मानसी मैम फॉर गाइडिंग मी. बस वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉर टू द ऑडियंस रिएक्शन. मैं भी पहली बार देख रहा हूँ आज, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट.
मैं खुद सबसे बड़ा क्रिटिक अपने आप का हूँ, और उसके बाद आई थिंक मुझसे भी बड़ा क्रिटिक आई थिंक मेरे मॉम डैड भी है एंड माई सिस्टर. हम सब साथ में मिलके डिसाइड करते हैं, हम साथ में मिलके एनालाइज करते हैं कि क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. कुछ अच्छा बुरा नहीं होता हमारे हिसाब से, सब कुछ सीखना होता है. एवरीथिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड आई थिंक इस फिल्म से भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, सीखने ऑलरेडी मिल चुका है. सो या द जर्नी वॉज अमेजिंग एक्चुअली. मैं काफ़ी नर्वस और आई वॉज वेरी कॉन्शियस एक्चुअली, क्योंकि मैं लाइक आई सेड यू नो गुजराती फिल्म कर रहा हूँ. काफ़ी डाउट भी हो रहा था मुझे अपने आप पर, लेकिन एक मैसेज है इस फिल्म में जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, आई थिंक ऑडियंस को पता चलेगा. जो मुझे जिसने मुझे एक हौसला दिया कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन सकूँ. इसके बाद फिर जो लोग थे, मानसी मैम, पार्थिव सर, धर्मेंद्र गोहिल सर, रत्ना पाठक शाह मैम, विराट सर, एवरी वन जिसके साथ भी मैंने काम किया है, इंक्लूडिंग द कास्ट एंड द क्रू एज वेल, मतलब इनसे जो सपोर्ट मिला है, इट्स जस्ट फेल्ट लाइक अ फैमिली. तो उस टाइप पर मैं जो नर्वस फील कर रहा था, आज मैं लकी फील कर रहा हूँ कि मैंने इस फिल्म के लिए हाँ कही. बस अब यही वेट है कि ऑडियंस को कैसा लगता है. डन, थैंक यू, बाय बाय बाय, थैंक यू. कच एक्सप्रेस का जवाब नहीं है और ये सुपर डुपर हिट फिल्म रहेगी, इस साल की सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहेगी कच एक्सप्रेस. मेरे बेटे ने लिखी है, करण भानुशाली, रिटन बाय करण भानुशाली, मेरे बेटे ने लिखी है. थैंक यू, थैंक यू. मुझे बहुत प्राउड फील होता है कोई भी सिनेमा जब वॉक करता है तो एज एन इंडियन, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम एज एन इंडियन ही ग्रो करते हैं. और कच एक्सप्रेस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं सचमुच अपने वेरी गुड फ्रेंड दर्शील सफारी को मैं सपोर्ट करने आया हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है. मैंने उसे तारे ज़मीन पर के टाइम से देखा है, और मुझे अभी भी याद है हम लोग सब अपनी सोसाइटी के सारे लोग एक साथ ग्रुप बना के हम उसकी फ़िल्म देखने गए थे, और आज मैं उसके फिल्म के प्रीमियर को अटेंड कर रहा हूँ एज अ फ्रेंड. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है दर्शील के साथ और कच एक्सप्रेस की पूरी टीम के साथ, इतने लेजेंडरी एक्टर्स हैं. और यस, तो बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू. बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की शुरुआत में ही अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब से मैंने पैर रखा है, तब उसकी शुरुआत की दो फिल्में ही मेरी इतने बड़े लेजेंडरी एक्टर्स के साथ आई. मुझे सचमुच बहुत ही अच्छा लगता है. मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कि मैं एक सचमुच ब्लेस्ड हूँ, बहुत लकी हूँ. अपनी मेहनत के साथ साथ मुझे ये सारी चीज़ों का भी सपोर्ट मिला है, तो आई थिंक ये बहुत ही ग्रेटफुल फीलिंग है, और इसको मैं सचमुच वर्ड्स में एक्सप्रेस करूँ ऐसी कोई बात नहीं है. तो यस, दोनों के साथ कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, वैसे तो दोनों ही, मतलब दोनों में ही एक ऐसी बात है जो उन्हें सिमिलर और अलग करती है, आई थिंक दोनों की ओरिजिनलिटी, दोनों ही मैम की. और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, उनका प्रोफेशनलिज्म सीखने मिलता है, और वो कैसा बिहेव करते हैं ऑन सेट, ऑफ स्क्रीन, कैसे किस तरीके से मंजे हुए कलाकार है, क्योंकि वो स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लेते हैं ईजीली, और मुझे एक कैरेक्टर के लिए एक सीन में जाने के लिए इतना समय लग जाता है. तो ये सारी चीज़ें सीखने मिलती है, और बहुत ही फन लविंग माहौल रहता है मैम के, दोनों ही मैम के सेट पे. तो आई थिंक ये सारी चीज़ है. मैं लकी रहा हूँ कि मुझे चैलेंजिंग रोल्स मिलते हैं, बट देखिए, मैं फ़िलहाल शुरुआत के दिनों में मैं ऐसी कंडीशन पे नहीं था कि जहाँ पे मैं कोई सिलेक्ट कर सकूँ कोई स्क्रिप्ट. और इन दिनों मुझे आई थिंक लोगों ने इतना प्यार किया, और कास्टिंग डायरेक्टर्स या मेकर्स जो भी है वो इन सारे रोल के लिए चुनते हैं. तो आई थिंक ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि मुझे भी ऐसा सिनेमा और ऐसे कैरेक्टर्स करना पसंद है, और साथ ही वो भी मुझे ऐसे रोल में देखना पसंद करते. तो आई थिंक दैट इज़ इंडिया के बाहर, इंडिया में मुझे बहुत सारे एक्टर्स पसंद है. मुझे बहुत पसंद है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, मुझे अक्षय कुमार सर बहुत पसंद है, संजय मिश्रा सर बहुत पसंद है,
तो आई थिंक ये एक कॉम्बिनेशन है, बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स पसंद है, श्रीदेवी मैम मुझे बहुत पसंद है और या तो ऐसा ही है, मतलब कोई एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे सभी लोगों से मैं इंस्पायर होता हूँ। या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, कौन? यस, मानसी गोयल, पार्थिव गोयल, रत्ना बहन, लुकिंग लाइक अ वेरी लवली मूवी कच एक्सप्रेस, सच हैप्पीनेस, पॉजिटिव वाइब्स, धर्मेंद्र फाइन एक्टर, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस फिल्म। एंड Mansi and me have recently worked together and I've had a wonderful time working with her, and especially I've come to wish her, and looking forward to the film. Thank you. Ji, meri Gujarati film bhi abhi February 3rd ko release hone ko hai aur uske liye bhi main bahut excited hu, aur jaise maine kaha ki Mansi Goyal bhi us film ka hissa hai aur Rehan Chaudhary jo मेरे साथ हैं हमारे डायरेक्टर, वो भी यहीं पे है। रियान आइए प्लीज़। तो रियान जो को प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है इस फिल्म के, हम लोग दोनों मानसी के ही सपोर्ट में आए हैं और बस फरवरी 3rd को मानसी की फिल्म के जरिए हम हमारा प्रमोशन भी कर लेते हैं। फरवरी 3rd को हमारी पिक्चर देखना ज़रूर आना। थैंक यू। आजकल से रीजनल सिनेमा मार्केट को दिखा रहा है कि रियल कंटेंट क्या है। गुजराती सिनेमा हो, कोई भी लैंग्वेज का सिनेमा हो, वो अब रीजनल नहीं, पूरे भारतवर्ष में, दुनिया भर में दिखाया जाता है। एंड रीजनल सिनेमा एक्चुअली हम लोग को बहुत चीज़ें सिखा रही है इस वक्त की। छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो, वो मायने नहीं रखता, कॉन्टेंट मायने रखता है। मानसी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है गुजराती सिनेमा में, और रत्ना पाठक शाह तो है ही आइकॉनिक, एंड पार्थिव जो सपोर्ट करता है मानसी को इन एवरी थिंग दैट शी डज, जो प्रोड्यूस भी कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे रीजनल सिनेमा और आगे बढ़ते रहे। एंड ऑफ कोर्स रीजनल सिनेमा अब इंडियन सिनेमा हो चुका है। एंड क्या कंटेंट है भाई, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। कच एक्सप्रेस के लिए मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सारी मेरी फेवरेट स्टारकास्ट है ऑफकोर्स, और उसमें मैंने भी, मेरा भी एक गाना है, मैंने भी गाया है, और गाना बहुत बहुत प्यारा है। इवन द होल फिल्म, बिकॉज आई नो ऑफ द फिल्म, बट कुछ कुछ जैसे ट्रेलर और टीज़र में कुछ झलकें देखी है, बस उतना ही मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन इट इज़ सो 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 प्रॉमिसिंग। मुझे पता है कि सभी को बहुत पसंद आएगा, एवरीबॉडी विल रिलेट, और जितने भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ यू नो एक हिम्मत दिखा के कुछ आगे अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी मोटिवेटिंग फिल्म होने वाली है। एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड ऑफकोर्स मानसी एंड द होल, आई मीन एवरीबॉडी इज़ माई फेवरेट इन द फ्रेम, आई कैन सी दैट। एंड कच एक्सप्रेस नाम भी इतना ब्यूटिफुल है, एंड ऑफकोर्स फॉर गुजरातीज इट्स मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राउड। और आज मैं आई वॉज जस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम नवी मुंबई टू माई प्लेस, और मैं होर्डिंग्स पूरे हाईवे पर देख रही थी, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वो कच एक्सप्रेस के लगे हुए थे। सो आई मीन क्या कहते हैं कि मैं फूले नहीं समा रही थी, आई वॉज रियली रियली हैप्पी, आई एम ना कोरी रे को चुंदड़ी ना कोरो कोरो माल मुन।